पकड़ा है, 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो 5 जवानों की शहादत का बदला सेना की तरफ से लिया गया है। यहां तक कि और जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको भी ढूंढने की तलाश लगातार जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जावेद अहमद ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, यहां पर कल जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद सेना जो है वो एक्टिव है और जो अभियान था उसको और ज्यादा तेज कर दिया गया है। नतीजा ये रहा कि 7 आतंकियों को 30 घंटे के अंदर मार गिराया गया। पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करेंगे पिछले 30 घंटे में जो है ये 5वां एनकाउंटर है। कल की बात करेंगे, कल सुबह जो एनकाउंटर शुरू हुआ था वो दक्षिण कश्मीर के वेरिनाग इलाके में हुआ था। दूसरा एनकाउंटर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में शुरू हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट्स की हलाकतें पेश आई थी और फोर्सेस को सूचना मिली थी कि इन इलाकों में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। लेकिन उसके बाद ही जो पीर पंचाल का इलाका है, पुनिश का सुरनकोट इलाका है, वहां पे जो है तीसरा एनकाउंटर शुरू हुआ था और वहां पे जो मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें इब्तदाई तौर पे जो फायरिंग का तबादला हुआ था उसमें 5 फौजी जवान जो है वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था लेकिन वो जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ बैठे। जो एनकाउंटर वो एनकाउंटर अभी भी जारी है, वहां पे सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन उसके साथ ही जो रात में ही 2 एनकाउंटर और शुरू हुए थे, शोपियान के फिरीपुरा सुलरन इलाका है, शोपियान का बहुत ही हसास इलाका माना जाता है मिलिटेंसी के हवाले से। बहुत आए रोज वहां पे खबरें सुनने और देखने को मिलती है कि वहां पे एनकाउंटर्स का तबादला रहता है। लेकिन हालिया किलिंग्स जो हुई सिविलियन आम शहरी हलाकतों के बाद जो है जो खसूसी टीमें NI की टीमें और सिक्योरिटी की आला एजेंसियां जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हुई, उसके बाद जो है जगह जगह पे छापामार कार्रवाइयां की गई है और NI की तरफ से भी छापामार कार्रवाइयां की गई है। करीब 400 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है पूछगछ के हवाले से। लेकिन इसी बीच जो है शोपियान का इलाका बहुत गुजश्ते शाम वहां पे एक एनकाउंटर शुरू हुआ था तुलरन इलाके में और फिर आज सुबह जो है फिरीपुरा इलाका बिल्कुल शोपियान का ही इलाका है वहां पे आज गुजश्ता रात से ही फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है और वहां पे कुल मिलाकर जो है 5 मिलिटेंट्स यानी आज के एनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स की हलाकतें पेश आई है जिसमें पुलिस बयान में ये कहा गया कि उनमें से एक जो मिलिटेंट है वो एक सिविलियन किलिंग में मुलविस था जो शुमाली कश्मीर का रहने वाला था और उसको भी हलाक किया गया जो फौज के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो है आज गुज़श्ता 30 घंटे में अभी तक जो है 7 मिलिटेंट्स की हलाकतें पेश आई है। जो ये 7 आतंकी मारे गए हैं क्या ये लोकल थे या किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, क्या इस बारे में कोई खुलासा यहाँ पर सेना की तरफ से किया गया? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो शुपियान इलाके में जो मिलिटेंट्स की हलाकतें पेश आई है उनमें जो 5 मिलिटेंट है वो उनमें से 3 की जो है शिनाख्त हो गई है, आइडेंटिफिकेशन हो गई है, वो मकामी बताए जा रही है यानी लोकल मिलिटेंट्स है जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे सरगर्म थे, मिलिटेंट्स की सफ में शामिल हो गए थे। लेकिन अभी जो दूसरा एनकाउंटर शुपियान के फिरीपुरा इलाके में हुआ था वहाँ पे जो मिलिटेंट्स की हलाकतें पेश आई है उनकी शिनाख्त होना अभी बाकी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है। और जावेद ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सेना ने अपना अभियान और तेज कर दिया है, तो ऐसे में कौन कौन से इलाके में अभी सेना की तरफ से ज्यादा तेजी से सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, कहां कहां पर सेना और ज्यादा एक्टिव हो गई है, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पिछले हफ्ते जो सिविलियन किलिंग्स हुई थी उसके बाद पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखा गया, हर जगह पे जगह जगह पे नाके लगा रखे गए हैं और जो है तलाशी अभियान भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फिलहाल शोपियान इलाका है जनूबी कश्मीर का वहाँ पे जो है सिक्योरिटी इदारों ने कड़ी नजरें जमाए रखी है और वहाँ पे खसूसी बात यह है कि वहाँ पे जो एक मिलिटेंट मारा गया वो शुपियान में जो मिलिटेंट आज सुबह जो मारा गया है वो शुमाली कश्मीर का था यानी वो वहाँ से होके आया था जिसमें पुलिस बयान में ये कहा गया कि उसने एक सिविलियन किलिंग जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था उसकी हलाकत में मुलविस था वो वहां से शिफ्ट होकर शोपियान आ गया था। तो कुल मिलाकर जो है ये मकामी यानी लोकल मिलिटेंट्स है, अभी जो 2 मिलिटेंट्स और जो आज जो हलाकतें पेश आई है उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो है अभी तक जो प्रभावित इलाका है जो शोपियान इलाका है वहां पे बिल्कुल सेना को यहां पर और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वही आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, तो जो लोकल हैं उन्हीं को पकड़ना यहां पर एक बड़ी चुनौती सेना के लिए बनी हुई है। शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। 30 घंटे के अंदर 7 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है।